नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो दिल्ली दंगों को लेकर के उसने दाखिल की वो काफी सुर्खियों में रही। सुर्खियों में रहने की वजह यह थी कि दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगे कि दिल्ली पुलिस ने उस चार्जशीट में जिसका नाम नहीं डालना चाहिए था उसका नाम डाला, और जिसका नाम डालना चाहिए था उसका नाम का जिक्र तक नहीं किया, इसलिए दिल्ली पुलिस की वो चार्जशीट सुर्खियों में रही। दिल्ली पुलिस पर यह भी आरोप लगे कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा उनको सीधे सीधे बचाने का काम किया है। कपिल मिश्रा को लेकर के फेसबुक के सीईओ ने भी कहा कि उनका जो स्पीच था वो हेट स्पीच था और जिसने दिल्ली दंगे भड़काने का काम किया, उस कपिल मिश्रा का नाम दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में दाखिल तक नहीं किया, उसका कोई जिक्र तक नहीं किया। यह चार्जशीट काफी सुर्खियों में रही, लेकिन दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। किसके खिलाफ? डीएसपी देविंदर सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई और उसकी वजह से उसको जमानत मिल गई। सोचिए कि वो देविंदर सिंह, वो डीएसपी देविंदर सिंह जो आतंकवादियों के साथ में रंगे हाथ पकड़ा गया था, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। यह समझ रहे हैं आप, एक चार्जशीट जो दिल्ली पुलिस की इतनी सुर्खियों में रहती है क्योंकि जिस इसके नाम डाले नहीं डाले उसकी वजह से वो दिल्ली पुलिस जो है सुर्खियों में रहती है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि डीएसपी रैंक का अधिकारी था और वो खुद अपने साथ आतंकवादी लेकर के घूम रहा था, उसकी गाड़ी में आतंकवादी पाए जाते हैं, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई और इसी की वजह से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। अब आप बताइए किस तरह से यह विरोधाभास है? क्या यह साफ साफ तौर पर नहीं दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी के दबाव में है? क्या यह साफ तौर पर नहीं दिख रहा है? क्या साफ तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता? क्या साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए? क्योंकि डीएसपी देविंदर सिंह की 11 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी और बताया जा रहा है कि उसने 12 जनवरी से और 16 जनवरी तक अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी और इसी बीच में वो पकड़ा जाता है, रंगे हाथ पकड़ा जाता है। उसके साथ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उसको जब डीआईजी गिरफ्तार करने के लिए आता है तो डीआईजी से वो क्या कहता है, वो शब्द जो है वो बहुत वायरल हुए थे। उसने डीआईजी से कहा था, सर ये गेम है, इस गेम को खराब मत करिए। इसके बाद में डीआईजी ने उसको तमतमा करके एक तमाचा मारा था, इतनी बड़ी घटना हुई थी। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर के डीआईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उससे बहादुरी के जो तमगे उसको मिले थे, जो मेडल उसको मिले थे, उसको वापस लेने के आदेश दिए थे। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। डीएसपी देविंदर सिंह पर यह आरोप लगे थे कि वो 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश कर रहा था आतंकवादियों के साथ में मिलकर के, दिल्ली में बड़े विस्फोट करने वाला था। ऐसे संगीन आरोप उस व्यक्ति के साथ में लगे थे। डीएसपी देविंदर सिंह पर यह भी आरोप लगे थे कि वो पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें साजिश करता था, उसमें शामिल था। अफजल गुरु को जो फांसी दी गई, जिसने संसद पर अटैक किया, उसके साथ भी उसके संबंध थे। तो क्या आखिरकार ये गेम क्या है जिस गेम का जिक्र डीएसपी देविंदर सिंह ने किया था? ये गेम क्या है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों को लेकर के इतनी भयानक एक चार्जशीट दाखिल कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि रंगे हाथ गिरफ्तारियों आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार होता है उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है? यह गेम क्या है? किसके निर्देश पर यह सब हो रहा है? यह क्या गेम है या क्या क्रोनोलॉजी है? क्या कोई समझा सकता है? दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में दिल्ली दंगों को लेकर के जो उसने चार्जशीट दाखिल की उसमें क्रोनोलॉजी समझाती है बकायदा कि किस तरह से जामिया में जो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ वहां से दिल्ली दंगों की शुरुआत होती है। इतनी भयंकर क्रोनोलॉजी का जो है वो दिल्ली पुलिस जिक्र कर देती है, लेकिन एक व्यक्ति जो सीधे सीधे आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया है, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो पुलवामा हमले का साजिश करता है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसको जो है एक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है दिल्ली पुलिस। तो क्या ये सीधे सीधे कोई गेम नहीं है? आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको सीधे सीधे नहीं लग रहा है कि ये किसी के इशारे पर सब कुछ रचा जा रहा है? अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो ये सवाल क्या उठने लाजमी है या नहीं है? दिल्ली पुलिस आखिरकार क्यों उसके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल कर नहीं पाई? एक व्यक्ति जिसके खिलाफ इतने संगीन आरोप थे,
इतने संगीन आरोप थे उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस आखिरकार क्यों चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए। सफूरा जरगर जो कि जामिया की एक्टिविस्ट है, उस वो गर्भवती महिला है, उनको जमानत नहीं दी जा रही है। वो इतनी खतरनाक है कि वो गर्भवती महिला है, इतनी खतरनाक है वो कि उनको जमानत नहीं दी जा रही है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि इतना खतरनाक साबित हो सकता था पूरी दिल्ली के लिए, जो पूरी दिल्ली को ब्लास्ट करने की साजिश रच रहा था, जो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार होता है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है और गर्भवती महिला को जमानत नहीं मिल रही है, और वहीं आज उसको जमानत दे दी गई है। कमी क्या थी? कमी यह थी कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। और क्या ऐसी वजह है, किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ है, यह सवाल यहां पर उठते हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए कि आखिरकार क्या ऐसी वजह रह गई कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं वो व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। ये दिल्ली पुलिस से सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस कोरोना महामारी के समय में अपना काम जारी रखा और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। जामिया के तमाम एक्टिविस्ट जिन पर आरोप लगे उनकी गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस ने की है। तो अगर दिल्ली पुलिस इतनी बहादुरी के साथ में, इतनी तेजी के साथ में अगर एक मामले में कार्रवाई कर सकती है, तो दूसरे मामले में इतने संगीन आरोप लग रहे हैं जिस व्यक्ति पर, आतंकवादियों के साथ में जो व्यक्ति है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं कर पाती है। ये बहुत गंभीर सवाल है और ये सवाल अपने आप में साबित कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक क्रोनोलॉजी है, कोई ना कोई एक गेम है। जिस व्यक्ति को डीआईजी थप्पड़ मारता है उस व्यक्ति को वो व्यक्ति कहता है कि सर गेम है, आप गेम मत खराब करिए। तो आखिरकार ये गेम क्या है, किसके इशारे पर ये गेम हो रहा है, ये पूरे तब समझ में आता जब दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करती और उस चार्जशीट में इस पूरी घटनाक्रम को जो है वो बयां करती। लेकिन ये नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट ही नहीं दाखिल की और उसी के बिना पर जो है इसको जमानत मिल गई है। अब आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई एक मामले में किस तरह से है और दूसरे मामले में किस तरह से है। क्या दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता को लेकर के इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि उसकी निष्पक्षता आखिरकार कहां रह जाती है, कि जब वो एक मामले में इतने गंभीर होकर के कार्य करती है तो दूसरे मामले में इतनी लचरता उसकी क्यों नजर आती है, क्यों इतनी दिल्ली पुलिस लाचार नजर आती है कि जिस व्यक्ति पर आतंकियों के साथ में पकड़ा गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां तक कहा था कि उस व्यक्ति के साथ में डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ में वो आतंकियों जैसा सलूक कर रहे हैं, उसके साथ में आतंकियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस, हमारी काबिल पुलिस, वो उसके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है। ये पूरी घटना एक्सपोज कर देती है कि गेम कोई ना कोई वाकई में है और उसी गेम के तहत ऐसा लगता है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह को बचाने की पूरा एक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है, या कोई पहले का कोई षड्यंत्र था जिसको खराब कर दिया गया था बीच में, उसको ठीक किया जा रहा है। अगर पूरी घटनाक्रम को देखें, इन पूरे तथ्यों को देखें, तो यह सवाल सामने उठकर के आता है कि कोई ना कोई ऐसा गेम है, कोई ना कोई ऐसी क्रोनोलॉजी है जिसको ठीक किया जा रहा है, जिसको बचाया जा रहा है। नहीं तो इस तरह का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए था दिल्ली पुलिस के द्वारा, और दिल्ली पुलिस को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार वो उसकी चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर पाई। आपको क्या लगता है कि क्या कोई गेम है इसके पीछे, क्या कोई क्रोनोलॉजी है कि जिसके द्वारा डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।